हेलो स्पायरेंट्स, थर्ड मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 12 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप किए, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है इंडिया टू अटेंड लाहौर मीट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। सो ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की ट्रीटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये मीडिएशन वर्ल्ड बैंक का है, मतलब वर्ल्ड बैंक ने बीच में आके इसको फाइनलाइज करवाया है। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत सी सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है जिसको अभी तक कंटिन्यू किया गया है, और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं वो यहाँ पे परमानेंट इंडस कमीशन जो है उसके पास ये रिजॉल्व होते हैं। तो ये परमानेंट इंडस कमीशन के मीटिंग्स रेगुलरली होते हैं, हर साल एनुअल मीटिंग्स भी होते हैं और हर दोनों कंट्री में होते हैं एक्चुअली। तो ये जो मीटिंग्स है अभी जो होने वाली है लाहौर में होने वाली है इन मार्च, तो ये मंथ में ही लाहौर में जब होगी तो यहाँ पे इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगी, वो कंफर्मेशन मिला है। सो दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि उरी टेरर स्ट्राइक्स जो हुई थी सितंबर 2016 में, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस काफी डिटोरिएट हो गए थे। क्रॉस बॉर्डर अटैक्स भी जो हमने, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसको कहते हैं, वो हुए थे। तो उसके बाद इंडिया का स्टैंड भी यही था कि जब तक टेरर अटैक्स होते रहेंगे तब तक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की भी जरूरत है। ही सेड ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो हम पूरा रिव्यू करेंगे कि इंडिया को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले अंडर दिस ट्रीटी ऑल्सो। तो ही वॉज नॉट टॉकिंग ऑफ वायलेशन, के ट्रीटी वायलेट किया जाए, पर वो वही कह रहे थे कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो हम यूज कर सके हम करेंगे। तो ऐसे करके स्टेप्स, स्टैंड्स और स्टेटमेंट्स दिए गए थे। तो अब ये जो स्टेप लिया जा रहा है कि इंडिया, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे इंडस वाटर ट्रीटी का जो परमानेंट इंडस कमीशन है वहां पे ये मीटिंग अटेंड करेंगे। तो दिस इज द प्रेजेंट न्यूज। तो हमने पहले, थोड़े दिन पहले ये भी देखा था, वर्ल्ड बैंक ऑफिशियल्स ने दोनों कंट्रीज को विजिट किया एंड दे हैव कन्विंस्ड कि पाकिस्तान इंडिया को इनवाइट करे और इंडिया पाकिस्तान का इनविटेशन एक्सेप्ट करे। तो ये आपके डेवलपमेंट्स है। अभी नेक्स्ट राउंड जो है परमानेंट इंडस कमीशन का, वो ये है मार्च में, लास्ट ये हुआ था जुलाई 2016 में। तो उसके बाद अब ये नेक्स्ट एनुअल राउंड जो होना है वो हो रहा है। तो यही लिखा गया है कि रिव्यू करने की जो बात हुई थी आफ्टर द उरी अटैक्स इन सेप्टेम्बर। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो भी इश्यूज आते हैं, तो जो कंप्लेंट्स जाती है इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और ये कंप्लेंट्स के बारे में देखते हैं और फिर अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो ये पाकिस्तान ने ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लेन किया है रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट्स, जो इंडिया के दो प्रोजेक्ट्स है, किशन गंगा प्रोजेक्ट और रतले रिवर वाटर प्रोजेक्ट। तो ये दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मेजरली है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस इवन इरिगेशन फैसिलिटीज हो जाती है, तो जो डैम्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसे ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है। तो ये प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स आई है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो ये भी न्यूज में रहेगा ही। तो यही है रिगार्डिंग द प्रेजेंट स्टेटस। ऑलरेडी पहले भी एक जो हमारा प्रोजेक्ट था तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट, जिसको वुलार बैरेज कहती है पाकिस्तान, तो ये वुलार लेक के पास, तो झेलम रिवर है जो फ्लो इनटू करती है वुलार लेक में, तो झेलम रिवर का ही समझो प्रोजेक्ट है। तो ये इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन रेज किया था, इसलिए हमने प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया था। दिस वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, 1987 के टाइम पे। तो ये सस्पेंड करके जो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सस्पेंड हुआ था 2007 में, तो अब ये बात भी हो रही थी कि इसको रिवाइव किया जाए, तो आफ्टर द उरी टेरर अटैक्स, तो स्टेप्स ये लिए जा रहे हैं। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी में मेजरली 6 रिवर्स है, इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज। तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज में से इंडस, झेलम और चेनाब पे, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें ये इन 3 रिवर्स पे मेजर स्टेक जो है, मेजर अथॉरिटी है वो पाकिस्तान को जाती है, और रावी, बियास और सतलज है वो इंडिया को जाती है। मतलब इन रिवर्स पे भी हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि तुलबुल हमने कहा झेलम रिवर पे, तो ये अलाउड है, बट देन देर आर लिमिटेशंस, तो वो बात होती है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन रेज कर रही है फिलहाल। तो ये जो दो प्रोजेक्ट है, एक झेलम और एक चेनाब पे है, देख लेंगे ये। तो ये जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट, तो ये किशन गंगा एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है झेलम की, तो इस पे ये प्रोजेक्ट है विद इंस्टॉल कैपेसिटी 330 मेगावाट। तो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो ये 2016 में कमीशन किया गया है। और जो रतले प्रोजेक्ट है ये चेनाब रिवर पे है, तो
ये 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो ये 2018 में कमीशन किया जाएगा। तो इन दोनों पे अभी आर्बिट्रेशन होगा बाय वर्ल्ड बैंक मीडिएशन। अगला न्यूज आइटम है की सार्क पोस्ट फॉर पाकिस्तान ऑफिशियल। तो ये अभी सार्क का जो सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट होता है वो कंट्री को जाता है जहां पे सार्क समिट नेक्स्ट एस्टेब्लिश करनी होती है, तो वो ट्रांसफर होता है। तो लास्ट जो सार्क समिट हुई थी वो काठमांडू में नेपाल में हुई थी और नेपाल सेक्रेटरी जनरल नेपाली थे। अब ये नेक्स्ट सार्क समिट जो है वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड थी इस्लामाबाद में पाकिस्तान में, पर ये हो नहीं पाई क्योंकि इंडिया ने रिफ्यूज किया टू गो अहेड फॉर द सार्क समिट और बाकी कंट्रीज ने भी बैक ट्रैक किया था, तो सार्क समिट ही नहीं हो पाया था। तो ये था इन रिस्पॉन्स टू द उरी टेरर अटैक्स। तो अब जैसे हम देख रहे हैं रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, तो सार्क समिट भी अभी आगे होगी, लेकिन सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के लिए जो इलेक्शन हुआ उसमें सारे मेंबर्स ने, 8 मेंबर्स है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये 8 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सारे मेंबर्स ने यहाँ पे सपोर्ट किया पाकिस्तान ऑफिशियल को सेक्रेटरी जनरल पोस्ट के लिए, मतलब नेक्स्ट मेंबरशिप उनकी जानी थी। तो ये इंडिया का भी जो इलेक्शन में यहाँ पे सपोर्ट आया, सो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप। तो बाय कंसेंसस ये अपॉइंटमेंट हुआ है, ये उस बारे में न्यूज है। चीफ का नाम दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट वो ये 19 सार्क समिट जो इस्लामाबाद में होने वाली थी नवंबर 2016 में वो नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ द उरी टेरर अटैक्स एंड इंडियाज रिस्पॉन्स। तो सार्क एक्चुअली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था, 7 फाउंडिंग मेंबर्स है, तो 8वीं अफगानिस्तान ये 2005 में मेंबर बनी है। तो ये जो मेंबर नेशन है इसमें से मेजर कंट्रीज जो है वो है इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। पर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के में प्रॉब्लम्स होने की वजह से सार्क भी इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाया है, तो ये हमेशा से दिक्कत आई है। तो सार्क हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, इवन सार्क का एक साफ्टा साउथ एसोसिएशन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है, पर वो भी पाकिस्तान ने उसके अंदर ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए। तो उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान को इंडिया को MFN स्टेटस देना होता है। MFN स्टेटस WTO टर्मिनोलॉजी है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की टर्मिनोलॉजी। पर सिंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे जो ट्रीटीज होगी वो सारे कंट्रीज जो WTO मेंबर्स है उनको एक्सेप्ट करना फुलफिल करना होता है, तो वो ग्लोबल ट्रीटीज होती है। पर क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रीटीज फाइनलाइज होना काफी डिफिकल्ट है, एवरी कंट्री शुड अग्री, तो इसीलिए रीजनल लेवल्स पे जनरली ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज किए जा रहे हैं, फिलहाल वही नॉर्म है। तो साफ्टा रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट ऑफ सार्क, तो ये अग्रीमेंट भी इफेक्टिव नहीं रहा है क्योंकि पाकिस्तान MFN स्टेटस नहीं दे रही है। MFN स्टेटस क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, मतलब के हर कंट्री जिसको ये स्टेटस दिया जाता है वो मोस्ट फेवर्ड है, उससे ज्यादा फेवर्ड ट्रेड रिलेशंस में और कोई कंट्री नहीं होगी, मतलब कोई कंसेशंस ड्यूटीज वगैरह में कुछ भी कंसेशंस दे रहे तो इससे ज्यादा और कोई कंट्री को नहीं दे रहे। तो मोस्ट फेवर्ड मींस नोबडी एल्स इज मोर फेवर्ड, इससे ज्यादा किसी और को फेवर नहीं कर रहे, मतलब एक्चुअली इट मींस इक्वल ट्रीटमेंट, कि सब जो सब कंट्रीज को MFN स्टेटस हो मतलब सब कंट्रीज को इक्वली ट्रीट कर, मेजरली उसका अंडरस्टैंडिंग ये होता है। तो इंडिया को ये MFN स्टेटस पाकिस्तान नहीं दे रही है, इवन जो ट्रेड होना चाहिए वो नेगेटिव लिस्ट से होना चाहिए। तो नेगेटिव लिस्ट क्या होता है ट्रेड में, कि आप सब कुछ अलाउ करते हैं, मींस ट्रेड हो सकता है बिटवीन द टू कंट्रीज इन एवरीथिंग और अमंग अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इन एवरीथिंग, मगर जो नेगेटिव लिस्ट है उसके अंदर जो कस्टम ड्यूटीज वगैरह है उस पर रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, बाकी सब में फ्री ट्रेड अलाउड है ऐसे। तो ये जो है नेगेटिव लिस्ट ट्रेड इज एक्चुअली प्रेफरेबल, पाकिस्तान इंडिया के साथ पॉजिटिव लिस्ट के साथ ट्रेड करती है। तो पॉजिटिव लिस्ट के साथ मतलब कि जो लिस्ट है बस उतना ही ट्रेडिंग होगा, उन कमोडिटीज में उन एस्पेक्ट्स में ट्रेडिंग होगा, बाकी सब में ट्रेडिंग विद इंडिया इज नॉट अलाउड। तो ये भी है कि पाकिस्तान इज नॉट ओपनिंग अप एंड फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशंस, तो डिफिकल्टीज आती है इन द ऑपरेशन ऑफ सार्क। और सार्क एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऑलमोस्ट सब कुछ है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कल्चर, सब कुछ होगा, देखोगे टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, so it cooperates on a large number of areas. Agla news item hai, universities are places of debate not violence says president. To ye president Pranab Mukherjee ne ek ye speech mein ye kaha hai ki India mein jo universities hai unko reasoned discussion karna chahiye, debate karna chahiye, culture of unrest matlab violence use karke ya difficulties lake wo hum aage nahi पहुंच सकते, हमको डिस्कशंस डिबेट्स होने चाहिए, रैशनल रीजन से डिबेट्स डिस्कशन होने चाहिए। कि ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली जो रामजस कॉलेज है
दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहां पे जो वायलेंट क्लैशेस हुए थे। तो ये एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो आरएसएस बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएटेड है, तो इनके मेंबर्स ने यहाँ पे रकस क्रिएट किया था। इवन एक दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इसमें इंजर हो गए थे। तो ये जो क्लैशेस थे इसलिए हुए थे क्योंकि एक जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वो यहाँ पे सेमिनार लेने वाले थे और इसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट किया गया। तो ये जो है एक्चुअली ही हैड आल्सो हैड उमर खालिद है, ही उनके अगेंस्ट जेएनयू में जब प्रोटेस्ट हुए थे पहले, तो एंटी नेशनल स्पीचेस देने का उनके अगेंस्ट केस था। तो सेडिशन केस जो है, आप कुछ बोल रहे हो तो उसके ऊपर सेडिशन केस लगाया जाता है कि आप एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो वो सेडिशन केस उन पे लगाया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जब वो स्पीच लेने आए थे, विच वॉज इरेलीवेंट एंड नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग जो पहले हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट किए गए। तो मतलब यही है कि आप कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो कॉलेजेस में जब वायलेंस होगा तो ये यूनिवर्सिटीज का क्या स्टेटस रहेगा? यूनिवर्सिटीज में फ्री थिंकिंग, फ्री एक्सचेंजेस, क्रिएटिविटी, इसको प्रमोट करना चाहिए। नॉट के क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं हो सकता, डिसेंट टॉलरेट नहीं हो सकता। सो दैट इज अगेंस्ट द आइडिया कि एक कंट्री में कैसा यूनिवर्सिटी कैसे होना चाहिए। तो उसके ऊपर ही ये स्टेटमेंट वो दे रहे थे। इवन एंशियंट यूनिवर्सिटीज जो इंडिया की, उनके एग्जांपल्स दिए उन्होंने, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थी क्योंकि यहाँ पे फ्री थॉट अलाउड था कि आप यहाँ पे फ्रीली आप आइडियाज को प्रोपोगेट कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, एंड इट अलाउड आइडियाज टू फ्लरिश। तो इसीलिए ये ग्रेट यूनिवर्सिटीज रही है। तो ये ट्रेंड हमको प्रेजेंट यूनिवर्सिटीज में भी कंटिन्यू करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए रादर देन सप्रेसिंग वो स्टेटमेंट्स, क्योंकि वायलेंस इन एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन इफ यू डोंट अग्री, अगर आप अग्री नहीं करते किसी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से, किसी के ऊपर अगर सेडिशन चार्ज भी लगाया गया है, अगर से इट इज वैलिड ऑल्सो के सेडिशन चार्ज लगाया गया वैलिड है, पर आप उसके अगेंस्ट वायलेंस यूज नहीं कर सकते। ऑन जनरल पब्लिक में आप थ्रेट और फियर नहीं क्रिएट कर सकते। इसी केस में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने स्टेटमेंट दिया था कि उनके फादर आर्मी ऑफिसर थे, ही डाइड, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि माय फादर वाज किल्ड नॉट बाय पाकिस्तान बट बाय द बुलेट। तो ये स्टेटमेंट जो था इसके ऊपर भी काफी हंगामा हुआ क्योंकि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो देयर इज अ डीपर मीनिंग कि वो क्या कहना चाहती थी। वो कहना चाहती थी कि क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वॉर है, इसीलिए डेथ होती है। तो एक कंट्री के ऊपर अगर आप ब्लेम डाल रहे हो तो आप दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम्स है और वॉर हो रही है तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू पे डिबेट करना, डिस्कस करना, सोल्यूशन लाना, दैट इज नॉट व्हाट वी डू। वो नहीं होता है कंट्री में। ये डिबेट इस पे होता है कि ये सही बोला नहीं सही बोला, अलाउड है कि नहीं, ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। फ्री थॉट को, फ्री आइडियाज को, इवन इफ समबडी इज रॉन्ग एटलीस्ट लेट देम स्पीक अप, लेट्स हैव अ डिबेट डिस्कशन कि भाई सही है नहीं सही है, अलाउ होना चाहिए नहीं अलाउ होना चाहिए। यू कैन पुट क्लैम्स ऑन एनीबडी सेइंग एनीथिंग। तो वो मेन फ्री थॉट के ऊपर पॉइंट है। अब वो ये रीजंड क्रिटिसिज्म है तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो वो पॉइंट्स होते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी गलत बात नहीं टॉलरेट करता है, पर गलत बात नहीं है यहाँ पे, कुछ होने से पहले ही आप स्टेप्स ले रहे हैं, किसी को अलाउ नहीं कर रहे, फियर क्रिएट कर रहे, उस पे पॉइंट्स है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी ऑन ब्लैक मनी। तो इसके चेयरमैन है एमवी शाह और डेप्यूटी चेयरमैन है जस्टिस अरिजीत वसायत। सो ये रिटायर्ड जजेस है। तो इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि अभी तक 70,000 करोड़ रुपीज ब्लैक मनी डिटेक्ट हुआ है। इसमें से 1,600 करोड़ अब्रॉड था, फंड स्टैश्ड अब्रॉड बाय इंडियंस। तो ये न्यूज सामने उन्होंने रखा है। ये अपनी रिपोर्ट देने वाले, काफी इंटरिम रिपोर्ट्स इन्होंने दिया है। तो ये 2 साल पहले एस्टेब्लिश की गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट और इन 2 सालों में इन्होंने 5 इंटरिम रिपोर्ट्स दिए। अभी 6th इंटरिम रिपोर्ट अप्रैल में ये सबमिट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो ये स्टेटमेंट उस कॉन्टेक्स्ट में सामने आया है। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए, इसमें से एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, तो प्रेजेंट बजट में जो अनाउंस हुआ था, तो ये इनका ही रिकमेंडेशन था कि अगर कैश ट्रांजेक्शन 3 लाख से ऊपर होता है, मतलब 3 लाख से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन करना है तो कैश में ना हो, बाय चेक और बाय डिजिटल मोड हो। तो ये जो रिकमेंडेशन है ये ऑलरेडी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है गवर्नमेंट ने, और ये इलीगल ट्रीट किया जाएगा। मतलब 3 लाख से ज्यादा कैश ट्रांजेक्शन इज इलीगल एंड पनिशेबल अंडर लॉ। तो इनका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया गया। और एक रिकमेंडेशन इनका है कि अगर 15 लाख से ज्यादा किसी के पास कैश है तो उसको अज्यूम करना चाहिए कि अनडिस्क्लोज इनकम, इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। मतलब ये इट इज द ओनर्स ऑन द ओनर
कि आपके पास अगर है इतना पैसा तो आप प्रूव करो कि ये इनकम डिस्क्लोज्ड है, अदरवाइज इतना कैश नहीं हो, इट शुड बी इन डिजिटल मोड बैंक में हो ऐसे। तो ये और एक प्रपोजल है जो कह रही है सिर्फ कि ये गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर कर रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगला न्यूज आइटम है, नो कैंप्स विद इन 100 मीटर ऑफ गंगा, एनजीटी, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने और एक ऑर्डर पास किया ऑन गंगा रिवर। तो इन्होंने कहा है कि कैंपिंग एक्टिविटीज प्रोहिबिट होनी चाहिए विद इन 100 मीटर्स ऑफ गंगा रिवर। तो ये जो रीजन है शिवपुरी से लेकर ऋषिकेश तक, जो यहाँ बीचेस है गंगा रिवर के अलॉन्ग, तो यहाँ पे काफी सारे कैंपिंग एक्टिविटीज होती है। तो ये रीजन इको टूरिज्म के लिए फेमस है। तो इको टूरिज्म का मतलब होता है कि जो नेचुरल एनवायरमेंट में टूरिज्म एक्टिविटीज होती है जिससे इवन कंजर्वेशन के लिए सपोर्ट मिले। तो जो यहाँ पे से रिसोर्सेज आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं, वो कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए यूज किए जाए, तो इसको इको टूरिज्म कहते हैं। तो ये इको टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट होता है। रिवर राफ्टिंग के लिए रीजन काफी फेमस है, तो एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट इको टूरिज्म का ये है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली यहाँ पे कितना बेनिफिट कर रहा है और कितना एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है वो देखना भी जरूरी है। तो एनजीटी का ये ऑर्डर है कि जो भी एक्टिविटीज है अगर 100 मीटर्स के रिवर के 100 मीटर्स के अंदर कॉल करती है ये, तो ये अलाउड नहीं होगी। तो ये जो है इसकी वजह से जो यहाँ पे बीचेस है, कई सारे बीचेस पे यहाँ पे एक्टिविटीज अब बैन की जाएगी। तो ये 56 बीचेस है टोटल, और यहाँ 56 में से 33 बीचेस जो यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है कैंपिंग, और 23 बीचेस पे नहीं। और 33 बीचेस में भी खाली यहाँ पे 3 बीचेस है जो कम्प्लीटली 100 मीटर्स क्राइटेरिया के बाहर है, और 8 बीचेस है जो कम्प्लीटली 100 मीटर्स क्राइटेरिया के अंदर है, और 22 बीचेस में पार्शियल है, थोड़े रीजन 100 मीटर्स के अंदर है, थोड़े रीजन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ जहाँ पे भी ये 100 मीटर्स के विदिन आती है उतना रीजन में यहाँ पे एनजीटी ने कहा है कि ये इको टूरिज्म एक्टिविटीज अलाउ नहीं करनी चाहिए, बाकी एरियाज में अलाउड है। तो ये फाइनल अब ये जजमेंट आया है। तो ये एनजीटी ने भी कहा है कि हमारा ऑर्डर तो ये आ गया है, पर ये कितना इफेक्टिव होगा वो डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पे। तो दे आर पुटिंग एम्फेसिस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि रूल्स अभी भी है लेकिन फॉलो नहीं किए जाते। तो ये काफी सारे यहाँ पे कहा गया है, इवन एनजीटी ने कहा है कि लोग यहाँ पे वेपन्स कैरी करते हैं, ड्रिंक्स कैरी करते हैं, इवन परमानेंट कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं कैंपिंग साइट्स पे। तो ये सारे इलीगल है और गंगा रिवर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज होगी तो ऑफकोर्स वेस्ट जनरेट होगा और वो पोल्यूशन जाएगा सब रिवर गंगा में। तो ऑलरेडी ये रूल्स है कि लाइट नहीं अलाउड होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, म्यूजिक अलाउड नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट्स यहाँ पे ड्राई पिट होने चाहिए वो भी 60 मीटर फ्रॉम द सैंड बैंक, कैंप फायर अलाउड होना चाहिए सिर्फ मेटेलिक प्लेट पे, ऐश डस्टबिन में डिपॉजिट हो, डिटर्जेंट्स यूज नहीं करना चाहिए फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स क्लोथ्स, फिशिंग प्रोहिबिटेड है। पर ये सब नहीं होता है, एक्चुअली ये सब किया जाता है। लोग लाइटिंग भी यूज करते हैं आफ्टर 9 PM, लाउड म्यूजिक चलाई जाती है यहाँ पे, टॉयलेट्स नहीं है, टॉयलेट्स है जो वो 10 मीटर के अंदर है सैंड बैंक के, और जो ये सब कैंप फायर के लिए भी नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं किए जाते, वॉशिंग भी होता है यहाँ पे सारा, फिशिंग रॉड्स भी पाई गई है, लोग फिशिंग भी करते हैं। तो ये सारा पूरा वायलेशन है जो ऑलरेडी रूल्स है उनका। तो अभी आगे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे और कितना ये एनजीटी ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे। तो ये सब जरूरी है फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा, तो इसलिए ये ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, और कैंपिंग साइट्स भी सब इंक्रीज हो रही है ओवर द इयर्स, वो भी यहाँ दिया गया है। तो ये है गंगा रिवर के अलॉन्ग ये कैंपिंग साइट्स। अगला न्यूज आइटम है, रिस्पॉन्ड टू बागर्स प्ली, सुप्रीम कोर्ट टेल्स महाराष्ट्र। तो ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है बाय बार गर्ल्स फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नया एक्ट पास किया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो पुराना एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और अलाउ किया था कि डांसिंग के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। तो अब गवर्नमेंट ने नया एक्ट बनाया है और इसके अगेंस्ट बार गर्ल्स सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा गया कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को निगेट करने के लिए नया एक्ट बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ये केस हियर भी कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये बार गर्ल्स के जो कंप्लेंट्स है उसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले। तो ये एक्चुअली ये जो एक्ट है, तो ये एक्ट है महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन डांस इन होटल्स रेस्टोरेंट्स एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन एक्ट ऑफ 2016। तो इसमें जो ये लोग बार गर्ल्स जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो है ये ऑब्सीन डांस के डेफिनेशन को। तो एक्ट में ये ऑब्सीन डांस को डिफाइन किया गया ऐसे कि कोई भी एक सेक्सुअल एक्ट हो, लैस्सिवियस मूवमेंट कहते हैं इसको, लैस्सिवियस मूवमेंट मतलब कि जो सेक्सुअली अट्रैक्ट करती हुई कोई ऐसी मूवमेंट है, तो इसको स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कौन सी मूवमेंट को आप लैस्सिवियस मानेंगे नहीं मानेंगे। तो प्रेजेंट फॉर्म्स ऑफ डांसेस जो है तो उसमें अब ये
ये एम्बिग्विटी आ जाती है, क्लियर क्लैरिटी नहीं है लॉ में. मतलब ये जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है, पुलिस फोर्स है, उनके हाथ में ये पावर आ जाता है कि वो कोई भी मूवमेंट को, कोई भी डांस को कह सकती है लैस्सिवियस मूवमेंट, अलाउ ना करे. तो ये जो एम्बिग्विटी लॉ में होती है वो एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं होती. इनसे वो कहते हैं कि ये हमारे ऊपर अट्रोसिटीज होगी इसकी वजह से. तो बाकी जो प्रोविजन है वो समझ में आते हैं. दे आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग ये जो एम्बिग्विटी है टर्म में, उसको ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा पावर्स ना दे दे कि वो कुछ भी कुछ कह के इनके ऊपर केस फाइल कर सके. तो इसके ऊपर ये हियरिंग होगी. ऑलरेडी और एक जो है पिटिशन फाइल किया गया है बाय होटल्स, इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन. तो ये भी ये 2016 एक्ट के थोड़े प्रोविजंस पे चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल किया गया है. तो अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर हियर करेगी केसेस. और उन्होंने पहले जो कहा था वो यही कहा था कि डांस एक प्रोफेशन है, तो इसको आप नेगेटिव नहीं कर सकते और ये अलाव नहीं करे, ऐसा नहीं कर सकते. पर डांस जो सेक्सुअली अट्रैक्टिंग डांस है, जिससे आप फिर वो इट लेटर एंटर्स इनटू सच सेक्सुअल प्रपोजिशंस, तो ये जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए. तो उसके ऊपर जो है वो एस्पेक्ट को एक्चुअली क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, पर ओनली डांस एज अ फॉर्म उसको भी बैन कर देना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस है. फिर अगला न्यूज आइटम है अ वेपन लोकेटिंग रडार फॉर द आर्मी. तो ये वेपन लोकेटिंग रडार है जो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिजीनियसली डेवलप किया, मतलब कंट्री के अंदर ये डेवलप किया गया है. इसको नाम दिया गया है स्वाति. तो ये आर्मी को फॉर्मली हैंडओवर किया गया है. तो ये स्वाति ये सारे जो वेपन्स है, एनिमी वेपन्स, जैसे कि मोर्टर्स है, शेल्स, रॉकेट्स, तो ये सारे उनका इनका लिमिट है, इट कैन रेंज है 50 किलोमीटर. तो ये 50 किलोमीटर तक जो ये सारे एनिमी वेपन्स हो गए, इनको ये क्विकली ऑटोमेटिकली एंड अक्यूरेटली लोकेशन के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं. तो ये वेपन लोकेटिंग रडार है. तो ये साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स जो फायर किए जाएंगे उनको भी हैंडल कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट वेपन्स, डिफरेंट लोकेशंस. तो ये इसकी कैपेबिलिटी है. तो ये ऑलरेडी आर्म्ड फोर्सेस में अभी इंडक्ट किए जा रहे हैं. 4 सिस्टम्स ऑलरेडी ऑपरेशन में और 30 और ऑर्डर किया है आर्मी ने, जो ये हैंड ओवर किए जाएंगे. और ये हम पहले इसको इम्पोर्ट करते थे. तो यूएसए वेपन्स लोकेटिंग रडार हम इम्पोर्ट किया था हमने इन 2002, क्योंकि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे हमको इसकी रिक्वायरमेंट का महसूस हुआ था कि इसकी जरूरत है, तो हमने ये इम्पोर्ट किया था. अब ये स्वाति हमने डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और डिफेंस मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है. मतलब एक बार आर्मी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए, उसके बाद हम एक्सपोर्ट के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज को. तो वो ये डेवलपमेंट है. और एक जो हैंडओवर हुआ था डीआरडीओ से वो था न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल रेकी व्हीकल. तो ये रेकी करने के लिए, मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए, जैसे ये व्हीकल ये भी हैंड ओवर कर दी गई. और एनबीसी ट्रीटमेंट ड्रग्स, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल्स के लिए ट्रीटमेंट ड्रग्स जो है वो भी आर्मी को हैंड ओवर किया गया बाय डीआरडीओ. अगला न्यूज आइटम है कलवरी टेस्ट फायर्स एंटी शिप मिसाइल. तो ये कलवरी नाम दिया गया है टू द स्कॉर्पिन सबमरीन. तो स्कॉर्पिन सबमरीन जो हमने फ्रांस से अक्वायर किया है, तो ये इंडिया में डेवलप होगी. तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यहाँ हो रहा है. तो इट्स बिल्ट इन इंडिया और इसको नाम दिया गया कलवरी. तो जो फर्स्ट सबमरीन आई है उसका नाम कलवरी रखा है. तो अभी जो न्यूज है वो ये है कि सक्सेसफुली इन्होंने फर्स्ट मेडन, मतलब फर्स्ट टेस्ट फायरिंग किया एक एंटी शिप मिसाइल को. सबमरीन से ये एंटी शिप मिसाइल टेस्ट फायर की गई और ये सक्सेसफुल रहा है. एक्चुअली ये सबमरीन में हैवी वेट टॉर्पिडो है, जो एक मेन वेपन है ये सबमरीन का, वो अब तक यहाँ पे इंडक्ट नहीं किया गया है. तो ये अभी तक बाकी है, पेंडिंग है. लेकिन ये जो अभी फिलहाल एंटी शिप मिसाइल टेस्ट फायर की गई वो एक फ्रेंच SM-38 एक्सोसेट मिसाइल थी और ये सक्सेसफुल रहा है टेस्ट. अगला न्यूज आइटम है श्रीलंका टू को स्पॉन्सर यूएन रेजोल्यूशन. तो ये यूएन रेजोल्यूशन अब श्रीलंका को स्पॉन्सर करने वाली है कि वो ज्यादा टाइम मांग रहे हैं. तो ऑलरेडी ये 2015 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो उसके हिसाब से 18 मंथ्स में श्रीलंका को अपना जो ये ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, क्योंकि जो तमिल्स के साथ जो वॉर हुई थी, सिविल वॉर चल रही थी, तो LTTE एलिमिनेट हो गई और ये सिविल वॉर एंड हो गई है. तो उसके बाद जो रिकंसिलिएशन एफर्ट्स करने हैं उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम फ्रेम दिया गया था, पर अभी तक श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेप्स नहीं ले पाई, ये फुलफिल नहीं कर पाई ऑब्लिगेशंस, और अब ये ज्यादा टाइम मांग रही. तो ये जो है तो जस्टिस यहाँ पे लाना जरूरी है ताकि रिकंसिलिएशन हो और फिर से ये ना हो जो सिविल वॉर हुआ था. तो ये तमिल माइनॉरिटीज है श्रीलंका में, तो उनके एस्पिरेशन को फुलफिल करना जरूरी है. तो यहाँ जो पहले जो श्रीलंका ने अश्योर किया था वो ये था कि 4 पिलर अप्रोच यूज किया जाएगा, मतलब
सामने लाया जाएगा, रिकंसिलिएशन एफर्ट्स होंगे कि दोनों कम्युनिटीज फिर से सिन्हालीज और तमिल साथ में आए, अकाउंटेबिलिटी लाया जाएगा कि जिसने गलत किया है उसको अकाउंटेबल रखा जाए, गवर्नमेंट से भी गलत हुआ है तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आए, और नॉन रिकरेंस मतलब ये फिर से दोहराया नहीं जाएगा तो ये अश्योर किया जाए। तो इसके ऊपर उनका रिकंसिलिएशन एफर्ट्स बेस्ड था, लेकिन अब तक ये जस्टिस हुआ नहीं है। और ये एक रीजन ये भी दिया जाता है कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है प्रेजेंटली कोलिशन गवर्नमेंट है, वो चाहते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हो ताकि ये सारे उनके जो श्रीलंकन माइनॉरिटीज तमिल्स के डिमांड्स है वो फुलफिल हो सके, पर यहाँ पे भी कंसेंसस आना डिफिकल्ट है। हमने थोड़ा टाइम पहले भी देखा था कि ट्राइलैटरल मीट हुई थी, मतलब श्रीलंकन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन तीनों मिलके इन्होंने डिस्कशंस किया था, ऑल थ्री बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। तो अभी तक यहाँ पे कंसेंसस नहीं आ रहा है और आगे ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं हो रहे, तो इसीलिए ये न्यूज यही है कि और टाइम श्रीलंकन गवर्नमेंट अब मांग रही है। अगला न्यूज आइटम है जीएसटी लेवी में गो अप टू 40%, 4 स्लैब स्ट्रक्चर टू रिमेन। तो जीएसटी काउंसिल जो है, जो फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली हेड करते हैं और इसमें सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर्स हैं, तो ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के सारे प्रोविजंस के ऊपर, और फिर ये लॉ बनेगा पार्लियामेंट के थ्रू और फिर स्टेट्स भी इनके लॉज पास करेंगे, मतलब सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इवन यूनियन टेरिटरीज जीएसटी, ये सारे लॉज पास किए जाएंगे, प्लस ऑल्सो मॉडल जीएसटी बिल है उस बेसिस पे ये होगा। और अभी जो जीएसटी बिल जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पार्लियामेंट में, उसमें एक अमेंडमेंट लाने का ये प्रोविजन आया है, मतलब जीएसटी काउंसिल ने प्रपोज किया है कि जो मैक्सिमम लिमिट है जीएसटी रेट्स की उसको फिलहाल 14% रखा गया है, तो इसको इंक्रीज करके 20% किया जाए। तो ये जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि मतलब इसमें अभी स्टेट्स का डिमांड है और वो कह रहे हैं कि अभी हम टैक्स स्लैब जो डिसाइड हुए वो चेंज नहीं करना चाहते, अभी जो मैक्सिमम 14% ही रहेगा, पर फ्यूचर में अगर इंक्रीज करना हो तो फिर पार्लियामेंट से अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये ना हो इसीलिए अभी इसको स्लैब को इंक्रीज करके मैक्सिमम पीक रेट जो है उसको 20% किया जाए। तो ये प्रपोजल दिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है और अब ये अमेंडमेंट करके जीएसटी जो एक्ट है उसके अंदर ये लाया जाएगा बिल में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, मॉडल जीएसटी बिल जो है इसमें ये क्लॉज चेंज किया जाएगा। तो मॉडल जीएसटी बिल पास होने के बाद फिर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी सब पास हो गया, और जो ओरिजिनली स्लैब्स फाइनलाइज किए गए थे वो सेम रहेंगे, मतलब 4 स्लैब्स है, मतलब जीएसटी रेट्स क्या लगेंगे तो 4 अलग अलग रेट्स है, तो थोड़ी कमोडिटीज पे 5%, 12%, 18% और 28% ये चार्जेस लगने वाले। तो ये 2016 में जीएसटी काउंसिल में फाइनलाइज हो चुका है, ये चेंज नहीं हो रहा। तो 28% कैसे होता है, मतलब सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, मतलब 14% पीक है, तो 14% सेंट्रल और इक्वली 14% स्टेट का जब आता है तो मैक्सिमम 28% होता है। तो अब ये स्लैब को जब पीक रेट को 20% कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम जो लग पाएगा टैक्स वो होगा 40%, और इसके अलावा जो है तो एक ये एक्सेस भी लगेगा, तो ये एक्सेस जो है ये ऑन टॉप ऑफ दिस जीएसटी रेट जो है, मतलब जो मैक्सिमम जीएसटी रेट है 28%, उन गुड्स पे थोड़े उनमें से थोड़े गुड्स पे सेस लगेगा। अब कौन से गुड्स कौन से स्लैब में जाएंगे ये भी एक्चुअली जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करेंगे, तो ये सेंट्रल स्टेट ऑफिशियल इसको फाइनलाइज करके जीएसटी काउंसिल के सामने रखेंगे कि विच गुड्स एंड सर्विसेज कौन से टैक्स ब्रैकेट में जाएगा, और इसको फाइनली काउंसिल अप्रूव करेगी। और ये जो सेस है ये जो पीक रेट है, मतलब 28% रेट में जो कमोडिटीज आ रही है उनमें से थोड़ी कमोडिटीज पे सेस लगेगा इन एडिशन टू जीएसटी टैक्स रेट। तो ये सेस से जो पैसा कलेक्ट होगा, तो सेसेस एडिशनल ड्यूटी जैसे होता है, तो ये जो पैसा कलेक्ट होगा इससे जो कॉर्पस बनेगा ये फंड यूज किया जाएगा टू कंपेंसेट स्टेट्स, क्योंकि जब जीएसटी को ट्रांजिशन किया जाएगा, प्रेजेंटली जो अलग अलग टैक्सेस है तो अब सारे टैक्सेस को यूनिफाई करके जीएसटी के अंदर जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो देर आर पॉसिबिलिटीज कि स्टेट्स को इनिशियल ईयर्स में थोड़ा लॉस हो, तो जो लॉस होगा उसको कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट अश्योर किया है कि फर्स्ट 5 ईयर्स के इम्प्लीमेंटेशन के फर्स्ट 5 ईयर्स तक जो लॉसेज हो गए तो गवर्नमेंट कंपेंसेट करेगी, तो कंपेंसेशन के लिए ये सेस इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो ये फाइनलाइज होगा अभी। तो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग जब होगा तब आगे ये फाइनलाइज होगा, और जीएसटी गवर्नमेंट चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये रोल आउट हो बाय 1 जुलाई 2017। पहले डेडलाइन 1 अप्रैल 2017 की थी, पर क्योंकि सब डेवलपमेंट्स ऑन ट्रैक नहीं हो पाए तो अब इसको 1 जुलाई 2017 का टारगेट रखा गया। अगला न्यूज आइटम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट नीड्स टू बी ओपन्ड अप। तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट, या पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, पब्लिक मतलब लोग ने, तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो इंडिया में ये 30% ऑफ द जीडीपी है, तो गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, मतलब
खुद के रिक्वायरमेंट्स के लिए, कमर्शियल रीसेल नहीं होगा उसका, गवर्नमेंट खुद यूज करेगी। तो मेजरली यहाँ पे जैसे डिफेंस सेक्टर है, रेलवेज, टेलीकॉम, ये काफी सारा ये गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती है। लेकिन पब्लिक प्रोक्योरमेंट में भी जो इश्यूज आते हैं तो वो कंसर्न्स लाए गए हैं। तो जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो उनके रिसेंटली जो ऑर्डर्स आए थे, पेनल्टीज इम्पोज किए गए थे। तो ये जब गवर्नमेंट ने सीमेंट प्रोक्योर किया था, उसके लिए जब बिडिंग की गई थी, तो ये सीमेंट कंपनीज ने यहाँ पे रिगिंग किया बिड्स में। तो जब वो खुद हो जाते, मतलब एक साथ मिलके बिडिंग ऐसे करते हैं कि गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा भरना पड़े और उनमें से जो भी आता है उनको प्रॉफिट्स मिले। तो ये जो कल्यूजिव बिडिंग होता है, या जो ये टर्म यूज किया जाता है, कार्टलाइजेशन, मतलब कार्टल बना लेना। तो जो भी जो सेलर्स है सब मिलके एक साथ हो जाए और वो डिसाइड करे कि हम एटलीस्ट ये प्राइस पे सेल करेंगे, इससे कम पे सेल नहीं करेंगे, तो जो बायर है उनको नुकसान होता है। तो ये कार्टलाइजेशन जो है ये अलाउड नहीं है, एंटी कमीशन, एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसके अगेंस्ट स्टेप्स लेती है। ऑल्सो एक और जो न्यूज में आया था रिगार्डिंग रेलवेज, ऑल्सो जो ये ब्रशलेस डीसी फैंस रेलवेज ने प्रोक्योर किया था, तो यहाँ पे भी रिगिंग किया गया था टेंडर्स का, तो उनको फाइन भी इम्पोज किया गया था, ये भी हमने न्यूज में देखा है पहले। तो ये रिसेंट केसेस भी है, तो ये भी हाईलाइट किए गए कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट इंक्रीज होना चाहिए, प्लस ये एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस जो है उनको भी टैकल करना जरूरी है, जिसके लिए सीसीआई स्टेप्स ले रहे हैं। अगला न्यूज आइटम है स्वीडन टू रीइंट्रोड्यूस कंस्क्रिप्शन आफ्टर 6 years। सो स्वीडन ये एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पे कॉन्स्क्रिप्शन ऑलरेडी था 2010 तक, अब इसको एंड कर दिया गया था, अब 6 साल बाद ये फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है? कॉन्स्क्रिप्शन मतलब कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देना होता है यूथ को। तो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में फिर जो एलिजिबल होते हैं, जिनको एक होती है इच्छा के वो आगे आर्मी को कंट्रीब्यूट करें, तो उनको फिर सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन सबको कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देना जरूरी होता है। तो काफी कंट्रीज में, इजराइल वगैरह में भी ये है। तो ये स्वीडन ने अब फिर से रीइंट्रोड्यूस करने का फैसला किया, और रीजन ये दे रहे हैं वो कि जो ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस अब इम्पोज हो रही है, उनके सामने आ रही है, स्पेशली रशिया से रिलेटेड, इसीलिए वो ये स्टेप्स ले रहे हैं। तो स्वीडन जो है ये यहाँ नॉर्डिक कंट्री है, स्वीडन नाटो मेंबर नहीं है, नेटो इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो यूएस के साथ जो यूरोपियन कंट्रीज मेजरली यहाँ पे जो साथ में है अक्रॉस द एटलांटिक, तो ये सारे कंट्रीज मतलब अगर नेटो मेंबर है, मतलब कोई एक कंट्री पे भी अगर अटैक हुआ तो सारी कंट्रीज, नेटो इज बिहाइंड, तो वो सब इट्स कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन नेटो एंड एवरीबॉडी कम्स टू योर रेस्क्यू, कि आपको बचाने के लिए सारे एफर्ट्स लगाए जाएंगे। तो अब ये जो है, अगर नॉन नेटो मेंबर कंट्री है, तो उन्होंने साइन किया है, फिर भी एक पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम जो नेटो ने लॉन्च किया था इन 1994, वो साइन हो चुका है स्वीडन का नेटो के साथ। तो इसीलिए उनको मिलिट्री कॉपरेशन है नेटो और मेंबर कंट्री के साथ, नेटो ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी। तो ये ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का यही मतलब होता है, जैसे नेटो था तो ऐसे वॉर्सो पैक्ट भी था। तो जो ये कोल्ड वॉर एरा था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये यूएस ने एक नेटो करके मेजर एक अलायंस बनाया था, और वॉर्सो पैक्ट रशिया ने बनवाया था। तो जो कंट्रीज इनके अंदर आती थी, जो ये साइन करती थी, तो वो दो ग्रुप्स बन गए थे कोल्ड वॉर एरा में। तो ये थोड़ी कंट्रीज थी, इंक्लूडिंग इंडिया, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज एक्चुअली, जिन्होंने डिसाइड किया कि हम ना नेटो ज्वाइन करेंगे ना वॉर्सो पैक्ट, तो वो नॉन अलाइंड रहे। तो यही नाम जो नॉन अलाइंड मूवमेंट था, वो यही था इनकी दोनों के अगेंस्ट। तो स्वीडन भी एक्चुअली नेटो मेंबर नहीं है, पर ये इनका पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम उन्होंने साइन किया 1994 में, तो उनको नेटो से भी कॉपरेशन मिलेगा, पर वो चाहते हैं कि हम अपना आर्म फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग करें, इसीलिए वो कंस्क्रिप्शन अब ला रहे। तो वो न्यूज है। तो ये नॉर्डिक और बाल्टिक रीजन माना जाता है, तो नॉर्डिक कंट्रीज हमने पहले भी किया था, जो नॉर्थ रीजन में है, जो कंट्रीज नॉर्वे, स्वीडन, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है। तो ये नेटो मेंबर्स बताए गए, 28 मेंबर्स है। तो ये स्वीडन और फिनलैंड या मेंबर्स हैं, और ये रशिया के साथ बाउंड्री, फिनलैंड की बाउंड्री है विद रशिया, तो स्वीडन फॉल्स अक्रॉस ओनली। और ये बाल्टिक सी जो यहाँ है, तो ये बाल्टिक नेशन भी माना जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो ईस्टर्न यूरोप में, अभी नॉर्दर्न यूरोप में, यहाँ पे रशिया की एक्टिविटीज, जो मिलिट्री एक्टिविटीज एनहांस कर रहे हैं वो, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि हम अपना मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी स्ट्रांग करें, इसीलिए वो कॉन्स्क्रिप्शन ला रहे हैं। तो ये नेटो मेंबर कंट्रीज है जो एस्टेब्लिश किया गया था इन 1949। तो यही है न्यूज आइटम्स, थैंक यू।